हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ये चार मैसी बन हेयर स्टाइल्स जो कि मैंने बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल की हेल्प से। इसमें मैंने किसी भी तरीके की कोई रबर बैंड या कोई भी हेयर पिन यूज़ नहीं की है। और आज की ये वीडियो मैंने बनाई है हिंदी में, बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो को हिंदी में बनाऊँ, तो मुझे लगा मुझे एक ट्राई लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी कोई भी टैंगल ना हो। उसके बाद आप इस तरीके से कॉम की हेल्प से ही अपने बालों को अच्छे से स्मूथ करके और एक हाई पोनीटेल के फॉर्म में अपने बालों को लीजिए। अब मैंने फिंगर्स की हेल्प से इस हाई पोनीटेल को लिया है। फिंगर्स से क्या होता है, मैसी लुक आने में और ईज मिलती है। तो फ्रंट से मैं अपने बालों को थोड़ा सा क्लीन लुक दूंगी। अब अपने बालों को इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है और फिर आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, मैं इस तरीके से देखिए आप रोटेट कर रही हूँ, जो लास्ट के हेयर हैं उन्हें नीचे इस तरीके से आप फिक्स कर दीजिए। अब मैंने ली है ये पेंसिल, इसे सबसे पहले आपको एक कोने से इस तरीके से आपको बाहर की तरफ निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर की तरफ मैंने इसके निकाला, मैंने इसको निकाला है। अब आपको बिल्कुल बन के नीचे से इस बन स्टिक को स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकला है। तो इस तरीके से जब आप इसे फिक्स करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स होता है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। बहुत टाइट बन मुझे फील हो रहा है और किसी भी तरीके की बॉबी पिन या रबर बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सेकेंड हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। इसके लिए अगेन आपको अपने पूरे बालों को अच्छे से कॉम करके और एक हाई पोनीटेल के तरीके से ही फिर से लेना है और फिर से इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको अपना जो लेफ़्ट हैंड है इसे आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से लेना है, जस्ट ट्विस्ट के ऊपर, और अपने बालों को इसके ऊपर से ऐसे पीछे की तरफ डाल देना है। अब आप बारी बारी अपने बालों को जितनी भी आपकी लेंथ है उस तरीके से आप उसको रोटेट करते जाइए। मेरे बाल ज़्यादा लंबे हैं तो मुझे तीन चार बार इसे रोटेट करना पड़ा। पूरा करने के बाद आप जो ऊपर वाला, जो हाथ के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम लूप बोल सकते हैं, उसे आप एक तरफ लेके और फिर आप बन स्टिक जो लीजिए, जो पेंसिल लीजिए, उसे इस तरीके से उस लूप के अंदर डालिए और दूसरी तरफ से बिल्कुल बन के नीचे से इसे स्लाइड करते हुए निकालिए। तो ये बिल्कुल ही आपका जो बन है वो बिल्कुल टाइट बनता है। देखिए आप कितना भी मूव करेंगे बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ये था हमारा जो सेकेंड लुक और ये फ्रंट से इस तरीके का लगेगा। तो थर्ड हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फिर से अपने बालों को जो है वो पोनीटेल के तरीके से लिया है, बट अब भी मैं अपनी जो पोनीटेल है उसे मीडियम हाइट पे रखूँगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखूँगी। तो मीडियम हाइट पे रखने के बाद अब मैं अपने बालों को फिर से ट्विस्ट कर रही हूँ, जैसे कि पहले दोनों जो है वो हेयर स्टाइल मैंने किया। फिर मैंने बन स्टिक को इस तरीके से वर्टिकल रखा और अब बालों को इनके ऊपर से एक बार ट्विस्ट किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, थोड़ा सा इसे पीछे की तरफ स्लाइड कर दीजिए, फिर मैं इसे एक बार और ट्विस्ट करूँगी और ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर एक बार और ट्विस्ट करूँगी। तो मुझे इतनी बार इसलिए ट्विस्ट करना पड़ा क्योंकि मेरे बाल बहुत ही लंबे हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ एक या दो बार ही ट्विस्ट करना पड़े। मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसे स्ट्रेच कर करके थोड़ी सी स्पेस बना रही हूँ। इसे ऊपर की तरफ से पहले डालने की कोशिश कीजिए, फिर थोड़ा सा इसे राइट साइड में स्लाइड करके और दूसरी तरफ से इस तरीके से निकाल लीजिए। अब जो आपके जो साइड वाले स्ट्रैंड्स बचे हुए हैं इन्हें आपको सिर्फ इस तरीके से स्लाइड करके दूसरी तरफ से निकालना है। आपको पिन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल टाइट है, ये नहीं खुलेगा अगर आपने सही से बनाया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब बारी है हमारे फोर्थ बन की। तो इसके लिए फिर से आप एक मीडियम हाइट पर पोनीटेल अपनी रखिए, उसके बाद इसे ऐसे राइट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। अब फिर से आप बन स्टिक को अपने बालों पे वर्टिकली रख गए, उसे एक बार फिर दो बार मैंने इस तरीके से इसके ऊपर से रोटेट करके अब मैं अपनी बन स्टिक को पूरा 360 डिग्री रोटेट करूँगी। जब आप अपनी बन स्टिक को रोटेट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपकी बन स्टिक आपकी नेक पे बिल्कुल पास रहे, आप उसे दूर मत कीजिए वरना आपका जो ट्विस्ट है वो खुल जाएगा। तो इसे रोटेट करके आप इस तरीके से आप इसे ले आइए और अब इसे मैं राइट से लेफ्ट की तरफ डायगनली स्लाइड करूँगी बन स्टिक को। थोड़ा सा इसे मैं मूव कर रही हूँ थोड़ी स्पेस बनाने के लिए ताकि आपके बाल खींचे नहीं बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा आपको टाइट रखना है तभी आपका बन जो है वो टाइट रहेगा। तो इस तरीके से उसके बाद आप इसे स्लाइड करके
नीचे से फिक्स कर दीजिए। ऊपर जो आपके छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बचे हैं उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, वो मैसी लुक देने में बल्कि और अच्छे ही लगते हैं। तो साइड से आप चाहें तो अपने बालों को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके थोड़ा और फ्रंट से भी स्ट्रैंड्स निकाल के और मैसी लुक दे सकते हैं। तो ये फाइनल लुक जो है वो ऐसा इसका दिखेगा। तो ये थे हमारे चार हेयर स्टाइल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। बाय।